सर, सबसे पहले जब आपके पास ये केस आया या वो खातून आई अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, सबसे पहला एकदम आपका क्या था? वो जैसे औरत मेरे पास आई तो उसने बोला कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो मैंने उसको दिखाकर पूछ लिया कि भाई क्या हुआ है। उसने बोला मेरी बच्ची छीनी गई है, मेरे साथ ज्यादती की हुई है इन लोगों ने, और मेरी जो कोई नहीं सुन रहा है, मैं यहाँ लोगों को जानती नहीं हूँ, मैं तो कराची की रहने वाली हूँ। तो मैंने बोला भाई आपको कुछ है उसके एड्रेस का पता, कोई नाम वगैरह? बोलती भाई मेरे पास कुछ नहीं है, ये दो नंबर है। जैसे उसने नंबर दिए तो मैंने उसको बोला ठीक है आप बैठ जाए, मैं देख लेता हूँ। तो घंटे डेढ़ के बाद वो दोबारा आई, बोले भाई मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी रहने की जगह भी नहीं है, तो मैं मस्जिद में जाना चाहती थी, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है, तो आप मुझे किधर बिठा दें। मैंने बोला अगर आप बुरा ना माने तो आपको मैं बहन बना लेता हूँ, आप हमारी फैमिली में रहें, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, अगर आप हमारे घर चलें तो वेलकम है। फिर मैंने उसको जो है अपने घर लेके गया, तो मेरे SHO ने और मेरे DPO साहब ने बोला कि भाई काम करो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, जिसकी भी ज़रूरत पड़ी हमें कॉल कर दो, ये हमारा पर्सनल नंबर है, तो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ी तो